क्योंकि उन्होंने अपने देखरेख में अपने जो है ना भाषणों में अपने कार्य की पद्धति में जोड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि समग्र समाज और समग्र बिंदुओं के साथ में अगर उसके जो है ना संचालन का उसके निराकरण का व्यवस्था नहीं की जाती है तो कोई भी जो है ना मजबूत समाज और कोई भी संगठित समाज तैयार नहीं हो सकता। इसलिए आज हम जो महसूस करते हैं वो ये है कि गांधी जी ने जो कहा था कि समाज को एक परिवार मान करके उसी भावना से इसको जो है ना चलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आज समाज खुद ही टूट परिवार खुद ही टूट रहे हैं तो समाज को तो टूटने में देर क्या लगती है। इसलिए आज उन सिद्धांतों का बहुत कमजोरी के साथ में पालन हो रहा है, उन्हें सख्ती के साथ में पालन करने की जरूरत है। गांधी जी ने जिस प्रकार से आम आदमी को अपने सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी सी आवश्यकता है उतना रखने की बात कही, खुद कितना सा पहनते थे, खुद कितना सा रखते थे और खुद कितना सा जो है ना जीवन में उपयोग करते थे, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं। तो उन सबको जो ना उन्होंने किस लिए किया कि आत्मनिर्भर होने के लिए या अपने जो ना व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर इंसान को बहुत ज्यादा चीजें बटोर के रखने का, इकट्ठा करके रखने का और उनको संग्रह करने का कोई उपयोग नहीं है। हमको जितने सी आवश्यकता है उसके मुताबिक से हमें अपना उपयोग करना चाहिए। तो सभी तरह से उन्होंने कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं जिसके लिए उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी। इसलिए गांधी जी अपने आप में एक संपूर्ण इंसान थे, एक संपूर्ण समाज थे, एक संपूर्ण व्यवस्था थे, एक संपूर्ण आदर्श थे, एक संपूर्ण दर्शन थे। उनके सोच में कार्य पद्धति में कहीं भी कोई एकाकी चीज नहीं थी, संपूर्ण चीजें थी। इसलिए आज उन जैसे व्यक्ति को हम जब याद करते हैं तो लगता है कि हम कितने दौलतमंद हैं कि इस प्रकार की एक हस्ती, इस प्रकार का एक व्यक्तित्व हमारे बीच में रहा और जिन्होंने न सिर्फ हमें न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया जिसे आज दुनिया मानती है और दुनिया उसको जो है समझने की चेष्टा करके भारत में बहुत से देशों के लोग आते भी हैं और वहाँ जाते भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में महावीर खुला विश्वविद्यालय एवं इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज तथा यहाँ उपस्थित सभी विशेषज्ञों शोधकर्ताओं एवं शिक्षकगणों को एवं शिक्षार्थियों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और इस परिषद की सफलता हेतु संचालकों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।